ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिर्गी के इलाज, मिर्गी का दौरा, इसके बारे में बहुत ही अच्छा घरेलू अचूक रामबाण इलाज लेके आया हूँ। अगर आप परेशान हैं या आपके आसपास कोई परेशान है मिर्गी की बीमारी से, उसको दौरे आते हैं, चक्कर आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर कोई व्यक्ति अकेले हो और उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ही। हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए, बहुत मुसीबत आ जाती है अगर वो अकेले कहीं है, कोई आसपास उसके नहीं है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में तीन चार उपाय मैं बताऊंगा, आपको सभी उपाय करने हैं और आप देखेंगे कि आपकी जो मिर्गी की समस्या है, मिर्गी का दौरा है, बहुत कोई भी आप दवाई करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कराते रहें, उसके साथ आप इस उपाय को कीजिए। और नहीं भी करा रहे हैं कहीं दवाई, तो आप इन उपायों को करें, आपकी मिर्गी का दौरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा सिर्फ कुछ ही दिनों में। पहला उपाय आपने देखा, पढ़ा होगा। दूसरा उपाय क्या है? 10 ग्राम शहद के साथ 10 ग्राम ब्राह्मी के पत्तों को मिलाकर प्रतिदिन खाने से मिर्गी के दौरे दूर होते हैं। अब ये ब्राह्मी कहाँ मिलेगी आपको? आपको आसानी से, दोस्तों ये सारी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। जैसे शहद है, मिलावटी मिल रहा है, तो आपको शुद्ध शहद होना चाहिए। आपको ब्राह्मी आपको दुकान पे, पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी, जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। आप वहाँ से ब्राह्मी लेके आएँ और मात्रा आपको वहाँ बना लेनी है। कितनी? 10 ग्राम शहद के साथ 10 ग्राम ब्राह्मी के पत्तों को मिलाकर प्रतिदिन खाने से मिर्गी के दौरे दूर होते हैं। तो दोस्तों, आपको पत्ते खाना है, ब्राह्मी सूखी नहीं लेनी है, आपको पत्ते लेने हैं। तो आप पत्ते, ब्राह्मी का पेड़ आप देखिए, आपके आसपास कहीं भी मिल जाए तो उसकी पत्ती लेके आइए और 10 ग्राम आपको वो पत्ते लेने हैं और उनका सेवन करना है प्रतिदिन। और जब तक आपका दौरे जड़ से ख़त्म ना हो जाए तब तक आप करते रहें। और जैसे ही देखें आपको, उसके बाद ठीक होने के बाद भी आप करीब 2 से 3 महीने तक करते रहें, ठीक होने के बाद भी, तो आपको देखेंगे कि आपके दौरे जो हैं हमेशा के लिए जड़ से, जीवन से आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप कितने ही पुराने क्यों ना हो, बहुत पुराने हो गए, सालों से आप दवाई भी करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, आप इन सभी उपायों को आपको करना है। सिर्फ कोई एक उपाय नहीं करना है, सभी उपायों को आपको करना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो भी समस्या है मिर्गी से संबंधित, वो सभी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक आजमाए हुए सनातन सभ्यता के प्राचीन उपाय हैं और इनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी 1% का भी आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और कोई भी नुकसान भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप इन उपायों को बिना किसी चिंता के उपाय को अपना सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई मिर्गी के दौरे का मरीज़ है, कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, माता है, बहन है, तो इन उपायों को आप बताएं। पहला, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर का, क्योंकि पहला आपको मैंने पढ़ा नहीं था, दूसरा उसके बाद पढ़ा, तीसरा नंबर का है सतावर के चूर्ण को दूध में मिलाकर खाने से मिर्गी रोग दूर होता है। दोस्तों, दूध कौन सा होना चाहिए? गाय का ही होना चाहिए, प्योर, कोई पैकेट वैकेट का, भैंस का नहीं, गाय का ही होना चाहिए। सतावर का चूर्ण भी शुद्ध होना चाहिए, ये तो आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। उसके बाद 10-10 ग्राम मिली लीटर हरी दूब के रस का सेवन सुबह शाम करने से मिर्गी रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, हरी दूब आपको आसानी से मिल जाएगा। आप देखते हैं कि जो गणेश जी पर चढ़ाई जाती है दुर्वा, हरी दूब उसी को बोलते हैं, तो आपको वो दूब भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपके आसपास जमी हुई होती है, कुएं के आसपास जमी हुई होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, तो गाँव में भी सब कहीं अवेलेबल होती है। तो आप इसको आसानी से ला सकते हैं और 10-10 ग्राम मिलीलीटर हरी दूब का रस निकालना है। दोस्तों, काफ़ी लाना है, उसका मिक्सी में आपको रस निकाल लेना है। रस का सेवन सुबह शाम करने से मिर्गी दौरा दूर होता है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ये दूब का उपाय तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने इसका उपाय लगातार करते रहना है और जब आपको ठीक हो जाए तो आप बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी आप 2 से 3 महीने तक आपको ये सारे उपाय करते रहने हैं। उसके बाद दोस्तों, प्याज का रस सूंघने से मिर्गी के कारण उत्पन्न बेहोशी दूर हो जाती है। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ गया हो तो वो प्याज का रस सूंघाने से उसका दौरा शांत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे से आसान ही सारे उपाय हैं। हरी दूब का तो बहुत ज़बरदस्त अचूक टोटका है, टोटका क्या, ये जड़ी बूटी ही है, द्वारा हरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, हमारे सनातन प्राचीन सभ्यता के उपाय के, जिनसे लोग कभी बीमार पहले होते ही नहीं थे, जो अगर बीमार होते थे तो हमारे वैद्य चुटकियों में ठीक कर देते थे। तो आप हरी दूब आसानी से आपके आसपास मिल जाता है, आप तोड़ के लाइए, उसका मिक्सी में जूस निकाल लीजिए 10-10 मिलीलीटर, उसके बाद सेवन कीजिए सुबह दोस्तों खाली पेट, आप देखेंगे। और ये सभी उपाय आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। अगर आपको ये समस्या नहीं है तो प्लीज़, आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक पुण्य का काम है, आप इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पर, जिससे उन वो लोग अपनी इन समस्याओं को दूर कर सके और आपको दुआ देंगे। तो दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को भी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये मेरी ईश्वर से कामना है आपके लिए। ओम नमः शिवाय।